वेलकम टू अनुभव स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वस्त्र व आवास यूनिट के कुछ सब टॉपिक्स, जैसे कि हथकरघा और पावरलूम से जुड़े हुए 2020 के कुछ करंट क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, 7 अगस्त 2020 को छठा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा, पावरलूम, ऊन व जूट और रेशम बोर्ड को समाप्त करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हैंडलूम पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह एक डिजिटल इनिशिएटिव है। हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने एक आभासी प्रदर्शनी का आयोजन भी किया है। यह भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है। उसके बाद देखिए, FDCI यानी कि फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया ने मीट द मेकर अभियान की शुरुआत की है। यह भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है। चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 1920 के अनुसार लगभग 59.5% बुनकर परिवारों द्वारा आवश्यक कच्चे माल के लिए समर्थन का हवाला देती है यह जनगणना। हथकरघा जनगणना 1920 के अनुसार देश में लगभग 31.44 यानी कि लगभग 31.5 लाख परिवार हथकरघा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन यह बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि 1995-96 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 65.5 लाख थी, जो कि अभी घट के सिर्फ 31.5 लाख के लगभग ही रह गई है। तो ये थे पावरलूम और हथकरघा से जुड़े हुए कुछ करंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे, आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।